साहब वो मामू अपने को जबरदस्ती उठा के लाया, बोलता है जमा कर डालेगा, क्या किया मैं? अरे वो मामू का गलती नहीं है रे, वो तेरा चाचा है ना, बहुत हरामी है साला। क्या है, आप उनको दो कैट दे के गया इधर, बोला तो उसको मारता है सताता है, और क्या वसूली वसूली का धंधा भी शुरू किया तूने ना। इसकी माँ का झूठा मारो, उसकी गांड पे मैंने हथौड़ा नहीं मारा ना रस्ते के बीच में, तो मैं दो बाप का झूठ बोल रहा है साला। अभी क्या करेगा? देख क्या है ना कि ये कंप्लेन आता है तो हम लोग को भी एक्शन लेना पड़ता है, समझा क्या? कह रहे हो छोड़, तू बहुत लोग को जानता है ना इधर, हाँ मुंबई के अंदर ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, क्या फायदे का कुछ मिलता है तेरे को? मैं तेरे को एक डील देता है, ऐसा डील ना बिग बाजार में भी नहीं मिलता है, समझा क्या? तू अपन को खबर दे, बदले में रोकड़ा ले ले, क्या बोलता है? अच्छा, मुसलमान को सुअर का गोश्त खिलाओगे साहब, हराम है, और मैं कोई खबरी वबरी बनने वाला नहीं हूं, समझे क्या? तूने पढ़ा नहीं ठीक सरे, उसमें लिखा है कि अगर जान बचाने के लिए थोड़ा सा खाएगा तो चलता है, किसी से भी पूछ, नहीं तो दो तीन और कंप्लेन आया ना ऊपर से इनकाउंटर का ऑर्डर आ जाएगा, समझा क्या? फिर तू तो जाएगा ही, तेरे साथ वो तेरे दो छपरी दोस्त भी जाएंगे, मर्जी तेरा है। उन लोग का क्या, उन लोग ने तो कुछ भी नहीं किया साहब। हाँ कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्या है ना ये बड़ा साहब लोग जो है ना छोटा मोटा क्रिमिनल को झेलता नहीं जाता था, खर्चा बहुत आता रहे, और एक बार डायरी बन गया ना उसके बाद इस एरिया में कोई भी अगर उगाही का न्यूज आया उठा के तेरे को अंदर डाल देंगे, उन लोग को भी, फिर तीनों घिसते रहना अपनी कोर्ट में बैठ के। अल्लाह, सोच मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। क्या बात कर रहा है, उस दिन तो तू बोला मैं फकीर मोहम्मद मुंबई में नीचे से ऊपर तक सबको जानता हूं, अभी फुस वो ऐसे ही बोल दिया साहब मैं। ऐसे ही नहीं बोला तू, सोच फकीर डायरी बनाने में मेरे को एक मिनट लगेगा, समझा क्या? अभी बोलना भारी पड़ गया देर, अभी अल्लाह किधर फंसा दिया मेरे को यार। टेबल पे कैट रखी, उठा और निकल ले इधर से। साहब ये काम मैं एक ही शर्त पे करेगा, बोलना, पैसे के लिए नहीं, मेरे को वो हरामी फाड़का मेरे चाचा की बजाने की। बजा बजा, आज से तेरे को जिसकी बजाने की उसकी बजा, लेकिन बोल क्या, कानून का हाथ फकीर मोहम्मद के साथ।